जनपद के कचहरी परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी व CJM डॉक्टर सुनील सिंह द्वारा प्रेस वार्ता की गई। कल्याणी 12 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय मेगा अदालत की होगी। शुरुआत कचहरी परिसर में मेगा लोक अदालत का आयोजन होगा। साल का अंतिम व लॉकडाउन के बाद मेगा लोक अदालत लगने जा रहा है। जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि लोक अदालत में सभी कर आवेदन सकते हैं, जिसमें लघुवाद मामले, एक्सीडेंटल क्लेम, परिवार न्यायालय संबंधित विवाद, वन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम व अन्य विवाद भी निस्तारित होंगे। अधिक से अधिक मुकदमों को निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना महामारी के चलते काफी दिनों से वादकारी कचहरी नहीं आ रहे थे। उनके काफी छोटे छोटे वाद लंबित हो रहे थे। उन सभी वादों को त्वरित गति से निस्तारण करने का प्रयास। COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन होगा। कचहरी गेट पर थर्मल स्कैनिंग होगी। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। पर्सन में सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होगी। मार्च से न्यायिक कार्यों पर भी समाज के हर वर्ग जैसे प्रभावित हुए हैं, न्यायिक कार्य भी हमारा प्रभावित हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के निर्देशानुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और सालसा के निर्देशानुसार आगामी कल 12 दिसंबर 2020 को मेगा लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग लघु प्रकृति के वादों का निस्तारण और सुलह समझौते के आधार पर वादों का, अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करना चाहते हैं। चूँकि इस वर्ष की ये सबसे बड़ी लोक अदालत है, तो इसकी सफलता के लिए हम लोग जो हैं अपने स्तर से जितने भी नोडल अफसर हमारे पत्राचार करके, परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अधिकारीगण, मजिस्ट्रेट न्यायालयों के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेकर जितने भी मजिस्ट्रेट हैं उनसे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, SDM DM साहब के यहाँ वार्ता करके कोशिश ये है कि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया जाए। कुछ व्यावसायिक मामले हैं, जैसे 138 NI एक्ट के मामले हैं और इस तरह के मामलों के लिए भी डिस्पोजल का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मुकदमे हमारे डिसाइड हो जाएं। सर, COVID-19 को देखते हुए किस तरीके का क्या कर रहे हैं? COVID-19 के दृष्टिगत हम लोगों ने फोर्स की व्यवस्था इसलिए विशेष रूप से की है कि वो ये इंश्योर करेंगे कि हर व्यक्ति मास्क लगा करके ही कचहरी परिसर में आवे। जिसके पास नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग मास्क की व्यवस्था किए हुए हैं। सैनिटाइजेशन जरूरी है, पूरी परिसर का हम लोग सुबह ही नगर निगम से कह के सैनिटाइजेशन प्रतिदिन करवाते हैं। कल भी होगा, लोक अदालत के पूर्व उसका होगा। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रहेगी। हमारे प्रत्येक गेट पर थर्मल स्कैनिंग हो रही है, जिससे ये पता चल जाएगा कि किसी प्रकार का कोई रोगी व्यक्ति या इस तरह का कोई व्यक्ति न आने पावे। और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि लोग अपना पर्याप्त हाथ वगैरह साफ करके ही तब उसमें आवे। सर, कितने केसेस पेंडिंग पड़े रहे हाल में हमारे? ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि कई दो बार जुलाई में और सितंबर माह में लोक अदालत जो होने वाली थी वो टल गई, तो अभी उतना नहीं है। लेकिन सूची हम लोगों ने तैयार कर लिया है और ये हमारे समझ से ये 4,000 से 5,000 मुकदमे का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि ये जरूर इसको निस्तारित कर दिया जाए। और ये इसके नहीं लग पाया है, जिनका मुकदमा नहीं लग पाया है उनसे भी मेरा आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि वो आ करके और अपना मुकदमा लगवाएं। और कल जो है 5,000 का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, लेकिन इससे ज़्यादा मुकदमे भी हो सकते हैं। पहली और अंतिम मेगा लोक अदालत है। लोक अदालत तो हमेशा लगती रहती है, चूँकि दिसंबर आ रहा है, लास्ट है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत है ये।